हेलो दोस्तों, किसी भी मोबाइल फोन में लगे हुए लॉक को कैसे अनलॉक किया जाता है आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप अपने फोन में पासवर्ड, पिन, पैटर्न लॉक भूल जाते हो और आपका फोन अनलॉक नहीं हो पाता है, अक्सर आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो और समस्या में भी आ जाते हो, तो आपको इस वीडियो को सिर्फ लास्ट तक देखना है। लास्ट तक इस वीडियो को अगर आप लोग देख लेते हो तो आपके फोन में लगे हुए लॉक भी घर बैठे अनलॉक हो जाएगा विदाउट डाटा लॉस और बिना पैसा वेस्ट किए। तो आप भी अपने फोन को अनलॉक करना चाहते हो तो कृपया करके इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ताकि आपको वीडियो में सब कुछ समझ में आ जाए अच्छे से, क्योंकि इस वीडियो को देख के आप किसी भी कंपनी के स्मार्टफोन में लगे हुए लॉक को भी आप अनलॉक कर सकते हो। तो कैसे कीजिएगा फ्रेंड, आइए मैं पहले फटाफट वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। फ्रेंड, इस वीडियो को आपको सिर्फ लास्ट तक देखना है। इससे पहले लास्ट तक देखने से पहले अपने फ़ोन में सिम कार्ड को निकाल लेना है। नहीं निकलता है तो एयरप्लेन मोड ओपन कर लेना। ये काम करने के बाद आप आ जाओगे लॉक स्क्रीन पेज पे। आपके फ़ोन में पिन, पैटर्न, पासवर्ड जो भी लॉक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपके सामने इमरजेंसी कॉल का ऑप्शन मिलेगा। इमरजेंसी कॉल को ऑन कर लेना है। इमरजेंसी कॉल को ऑन करने के बाद आप इमरजेंसी कॉल के पेज पे आ जाते हो, तो यहाँ पे सिंपली आपको सर्विस सेंटर का कोड दूंगा जिसे यूज करना है आप अपने फ़ोन में, ठीक है ना। तो वो कोड यूज करने से पहले ये कोड को डायल कर ले, ठीक है। ये कोड को आप लोग अपने फ़ोन में डायल कर लीजिए, ताकि आपका कोई भी अंग छूटना नहीं चाहिए। तो इस कोड को यूज कीजिए। यूज करने के बाद आपको इस कोड को एक्टिवेट करना है। कैसे करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का लॉक कॉल करने वाला आएगा ऑप्शन, तो कॉल कीजिएगा। आपके सामने कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन आएगा, इसे आपको इग्नोर करके ओके कर देना है। ओके करने के बाद इस कोड को आप इरेज कीजिए। इरेज करने के बाद आपको यहाँ पे मास्टर अनलॉकिंग कोड दिया जाएगा, जो कि स्टार है 899 और ये है। इस कोड को यूज करने के बाद आप आ जाओगे इंजीनियर मोड के फाइल पे। इंजीनियर मोड के फाइल पे आने के बाद आपको 4 नंबर मैनुअल टेस्ट को ओपन करना होगा। सेकेंड नंबर डिवाइस पे आने के बाद यहाँ पे सेंसर सिलेक्टेशन कैलिब्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे दो तरह का सेंसर होगा आपके फोन में, 2 से 3 भी हो सकता है, 3 से अधिक भी हो सकता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। बस आपको सभी सेंसर को स्टार्ट कर देना है और जो आपका सेंसर पास हो जाता है जायरोस्कोप वाला, बस आपको बैक करके यहाँ पे जायरोस्कोप मिलेगा ऑप्शन। जायरोस्कोप को क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे जायरोस्कोप को स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्ट करके होम बटन को क्लिक कीजिए, आपका फोन अनलॉक हो जाएगा विदाउट डाटा लॉस, बिना पैसा वेस्ट किए। आई होप ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।